नमस्कार, न्यू कॉर्बेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2023 का आयोजन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर में संपन्न हुआ। देश में बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड तीसरे पायदान पर रहा, वहीं पहले में मध्य प्रदेश, दूसरे पर कर्नाटक रहा। वहीं कॉर्बेट में बाघों की संख्या बढ़कर 260 हुई। अधिक बाघ घनत्व वाले टाइगर रिजर्व के साथ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ही शीर्ष पर रहा। ग्लोबल टाइगर डे पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण देवभूमि की संस्कृति एवं दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना हमारा संस्कार है। नमस्कार, न्यू कॉर्बेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। विश्व बाघ दिवस पर जारी आंकड़ों के हिसाब से बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड राज्य तीसरे स्थान पर है, जबकि मध्य प्रदेश पहले और कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर है। अगर चार बाघ और होते तो उत्तराखंड राज्य दूसरी पायदान पर होता। NTCA द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में सर्वाधिक 785 बाघ मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 थी, जो अब बढ़कर 785 हो गई है। कर्नाटक में 2022 में 563 बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई। उत्तराखंड राज्य में बाघों की संख्या 442 थी, जो अब बढ़कर कुल 560 पर पहुंच चुकी है। यानी कि 4 सालों में राज्य में 118 बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। उधर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी बाघों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2018 में जहां कॉर्बेट में 231 बाघ थे, वह बढ़कर 260 हो चुके हैं। लगातार कॉर्बेट में बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निदेशक धीरज पांडे ने कहा कि इसका श्रेय CTR के कर्मचारियों की बेहतर कार्यप्रणाली को दिया जा सकता है। वहीं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक समीर सिन्हा ने राज्य में बाघों की बढ़ती तादाद को सुखद बताते हुए कहा है कि बाघों की बढ़ती संख्या किसी चुनौती से कम भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बाघों के संरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्ष एक चुनौती जरूर है, पर इस चुनौती का सामना करने के लिए भी हम तैयार हैं। केंद्रीय वन पर्यावरणीय जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि प्रकृति की रक्षा करना मानव जीवन का कर्तव्य है। जब मनुष्य प्रकृति की रक्षा करेगा तो प्रकृति स्वयं ही प्राणियों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि आज बाघ संरक्षण के 0.5 दशक पूरे किए हैं, जो कि उपलब्धियों से परिपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री एवं पर्यटन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि वन्य जीव टाइगर के संरक्षण व संवर्धन के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। कहा कि बाघों के संरक्षण व संवर्धन के लिए वित्तीय सहयोग भी किया जाएगा। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉर्बेट समाचार। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। रामनगर से न्यू कॉर्बेट समाचार के लिए रोशनी पांडे की यह विशेष रिपोर्ट। उसके लिए बधाई देता हूँ। और आज जहाँ पे रामनगर, जो यहाँ राम गंगा भी बहती है और जिम कॉर्बेट के कार्यक्रम में सफल कार्यक्रम हुआ है, हमारे देश के कई टाइगर रिजर्व क्षेत्र से यहाँ पदाधिकारी आए हैं। अभी उनके सत्र भी चलने वाले हैं, टेक्निकल सत्र भी उनका चलेगा। और आपने देखा कि किस प्रकार से बल देवी और बल देवता को भी सम्मानित किया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता भी यहाँ जो आयोजित किया गया था बच्चों का, स्कूलों का, जगह जगह से उनको भी दिया गया। हमारे बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन में अभी जो मैसूर में उन्होंने वहाँ टाइगर प्रोजेक्ट का जो जिस प्रकार से उन्होंने शुभारंभ वहाँ किया था और उसमें जो उन्होंने कहा था, तो हम लोगों ने 53 टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र यहाँ किया। लगभग 3,500 से भी ज़्यादा बाघ, अब दुनिया के 75% बाघ जो हमारे देश में है, ये हमें गर्व है। हम चीता को भी, उसका प्रजाति को भी जो समाप्त हो गया था, उसको भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चीता प्रजाति को भी हमने यहाँ आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हमारा वन के प्रति, जो बायोडाइवर्सिटी के प्रति, जो हमारा सबके प्रति जो प्रेम है भारत के अंदर, और हम सभी वन प्राणियों के प्रति प्रेम रखें, और बाघ तो जंगलों का राजा होता है। तो आज ग्लोबल व्याघ्र दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से, और इसलिए मेन एनुअल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कम किया जाए उसके लिए लगातार हमारे मंत्रालय के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो उनकी चिंता है, हम लोग उसको अमल कर रहे हैं और उसके लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। अत्याधुनिक संयंत्र भी लगाए जा रहे हैं जिससे पहले ही सावधानी हो जाए, तो उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो निश्चित रूप से धीरे धीरे कम हो रहा है, आगे और भी कम। मैंने नहीं कहा था, जनता ने ये बात कहा था, आप उस बात को सुनो, मेरे एक एक शब्द मुझे ध्यान में है। जनता ने ये कहा था कि कॉर्बेट का, तो मैंने तो कहा भाई ये राम गंगा है और साथ साथ कॉर्बेट है, जो इतने कहा जाए कि उन्होंने पशु के प्रति जो उदारता रखी है, अपनी संपत्ति दिया है, तो उनका नाम तो है ही, लेकिन उसके पहले राम गंगा है, तो राम गंगा को कोई थोड़े उजाड़ सकता है। ये रामनगर है और राम गंगा में ये पार्क है, तो ये बहुत सुखद है। जो बाघों के संरक्षण के लिए आज से 50 साल पहले इसी कॉर्बेट में नींव पड़ी थी, उस समय हमारे जो रिजर्व बनाए गए थे, हमारे टाइगर रिजर्व 9 बनाए गए थे, आज वो 53 हो गए हैं। उसी की 50वीं सालगिरह आज हमने यहां मनाई है, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाघों के संरक्षण की बात कही है, और तो और डिस्कवरी जो पिछली बार उनका आपको याद होगा 19 में यहां पर एक बहुत बड़ा उनका इंटरव्यू हुआ था, अंदर गए थे, सारी चीजें देखी थी, एक एक बातों के बारे में बोला था, उसके आधार पर आज देखिएगा बाघों का संरक्षण भी ऐतिहासिक हुआ है। उसकी संख्या जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है पूरे देश में, भारत में, यहाँ कॉर्बेट पार्क समेत अन्य जितने भी हमारे इस समय रिजर्व हैं, सब जगह बाघों की संख्या बढ़ गई है। ये हमारा जो अहिंसा परमो धर्मो वाला हमारा स्लोगन है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ कंफ्लिक्ट जरूर हुए हैं पब्लिक में और बाघ में, बाघों में, जानवरों में, उन कंफ्लिक्ट को कैसे दूर किया जा सके, कैसे सुलझाया जा सके, जो संघर्ष चलते हैं उस पर भी बहुत अच्छी प्लानिंग हमारी हो रही है। संरक्षण कैसे आगे और बढ़े उस पर भी अच्छी तरह से हम कार्य कर रहे हैं। आज जगह जगह कैमरे फिट हैं, प्रशिक्षित लोग हैं और हर तरह की सुविधा है, उसके डॉक्टर्स हैं, और जो जो चीजें आवश्यक होती है संरक्षण के लिए वो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने करी हुई है। कुछ भी मुद्दे विपक्ष के पास नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, सबके सामने मीडिया पर बोल रहा हूँ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आश्चर्यजनक तरीके से आई, लोगों को विश्वास नहीं था। 2019 में लोगों ने कहा अब गई, और उससे भी ज्यादा, 14 से भी ज्यादा संख्या में 19 में आई, और 24 में मैं बताना चाहता हूं जिस किस्म से विपक्ष बचकाना काम कर रहा है, गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा है, और देश को एकजुट होके जो काम करना चाहिए था, आई ओपनर का काम करना चाहिए था, उससे भटक गया है। साफ जाहिर है, देश की जनता देख रही है, 2024 में भारी बहुमत से फिर से जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को देश की सेवा करने के लिए चुन लिया जाए, और पूरा मन बना लिया है और भारी बहुमत से आ रहे हैं। विश्वास पत्र अविश्वास प्रस्ताव लाना एक प्रोसेस है। क्यों ला रहे हैं आप अविश्वास प्रस्ताव? इसलिए ला रहे हैं कि अब हम बोलेंगे। भाई आप पहले ही बोलते, इतने मत आ गए हैं, इतने बिल पास हो गए हैं, इतने प्रश्न थे, एक से एक अच्छे प्रश्न, एक का भी लाभ नहीं उठाया। एक तो आपने जहां से चुन के आए वहां की जनता के साथ न्याय नहीं किया, दूसरा देश के साथ न्याय नहीं किया। इतना बड़ा धनराशि जो खर्च होती है वो धनराशि सिर्फ आपके हाय हाय करने में, नारेबाजी में चले गई, इसे गैर जिम्मेदाराना कहते हैं। अब जो आप बोलेंगे वो सबको पता है, उसका उत्तर क्या जाएगा उस समय आप बेनकाब हो जाएंगे, वो तो पहले भी होना था। इसीलिए मैंने कहा गैर जिम्मेदाराना विपक्ष काम कर रहा है। लोग जो गलत है उसको सही कौन कहेगा? गलत गलत है, कुछ गलत फहमियां हैं, उनको सुलझाने का काम तो मिल बैठ के होगा ना। मैं बार बार कहता हूं, अटल जी ने 71 के वार में कहा था, बढ़िए प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ हैं, पक्ष विपक्ष तो बाद में होंगे चुनाव के दौरान, लेकिन ये देश का सवाल है। इस समय कोई भी घटना, कोई भी दुर्घटना, किसी का दुख, किसी का दर्द मिल बांट के हमको बांटना चाहिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए था।
लेकिन विपक्ष हवा दे रहा है, आग में घी डालने का काम कर रहा है, भड़का रहा है लोगों को। पूरे देश में देखिए आप, जो विपक्ष है आज वो पूरी गैर जिम्मेदाराना तरीके से मोदी जी को बदनाम करने में, हमारी सरकार को बदनाम करने में लगा है। एकमात्र काम विपक्ष का यही रह गया है समस्याओं का समाधान करना, उसको कहीं आता ही नहीं है या करना नहीं चाहता है। इसके लिए कहां है सब गहराई से देखेंगे। मैंने स्वयं भी कहा है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको देखना चाहिए, और जो जनता है उसके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। तो मैंने स्वयं ही कहा है, टाइगर की गिनती हुई पूरे हिंदुस्तान में हुई, और ये जानकर बतलाते हुए मैं अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हम लोग जो 526 थे दो साल पहले, हमारे कर्मचारी अधिकारी, हमारे मुख्यमंत्री, सरकार का संरक्षण और गांव वालों का विश्वास, और नतीजा ये है कि 785 टाइगर, हम लोग कल्पना कर रहे थे कि हम लोग 750 के ऊपर जाएंगे, हमारी कल्पना के बाहर अगर टाइगर मिले हैं। हम सबको, हमारे पार्क प्रबंधन, हमारा मुख्यमंत्री जी और छोटे कर्मचारी, उनको मैं बधाई देता हूँ। और आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि मध्य प्रदेश बाघों का घर है, ये केवल हमने दूसरी बार लगातार, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में दूसरी बार लगातार कोई टाइगर स्टेट बना हो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा प्रबंधन, हमारे अधिकारी कर्मचारी और हम लोग स्वयं, मैं सप्ताह में एक दिन पार्कों में रहता हूँ, दूसरी बार लगातार वन मंत्री हूँ, और हम सबका साथ, सबका विश्वास, और यही कारण है कि आज हमें ये शुभ दिन देखने को मिला। सर, आप उत्तराखंड पहुंचे, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? उत्तराखंड बहुत प्रकृति की गोद में बसा हुआ बहुत सुंदर प्रदेश है। मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन अगली बार मैं जरूर चाहूँगा कि अक्टूबर के बाद हम लोग आए। और ये आपका जो पार्क है, ये दुनिया में बहुत फेमस पार्क है, तो सब परिवार हम लोग अभी तो आए हैं लेकिन और आएंगे। और आप सबसे भी हमारा निवेदन है कि मध्य प्रदेश बाघों का घर देखने आप आए। अगर कोई भी हमारा प्रेस का मित्र आता है तो हमारा गेस्ट होगा, अपना नाम पता बता दें, आपकी सारी व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार वन विभाग करेगा। सर, हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क आज से नहीं, ये मुगल कालीन से संरक्षित है, और अंग्रेजों के समय ये ज़्यादा डेवलप हुआ, और देश की आज़ादी के बाद तो वही है। प्राकृतिक रूप से जो इसे मिला है, नदी, पानी, झरना, वातावरण, इससे ही अपने आप में बहुत ऊंचा जाता है। और मेरा ये मानना है कि हम बाघों में जरूर ऊपर चले गए, लेकिन कॉर्बेट से ऊपर कभी नहीं। सर, ये हमारा पांटो जोन भी नया एक पार्क शुरू हुआ है हमारे सर के द्वारा, इनकी मेहनत रंग लाई है, कुछ कहना चाहेंगे हमारे सर के लिए कुछ? ये पार्क प्रबंधन जो होता है वो आप स्वयं समझते हैं कि जो अधिकारी दिल से लगातार रहता है, जंगली जानवर को, कर्मचारियों को अपने परिवार से ज़्यादा मानता है, वही आदमी पार्क का भला कर सकता है। आपने लगातार प्रयास किया, आपको ढेरों शुभकामनाएं, आप और आगे बढ़ें, उत्तराखंड और हमारा जिम कॉर्बेट पार्क और आगे बढ़े, शुभकामनाएं। देखिए, हम लोगों ने जो पार्क के आसपास जो लोग रहते हैं उनके बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो ड्राइवर की हो, चाहे वो हाउसकीपिंग की हो, चाहे वो होटल्स की हो, और चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर्स की हो, और सारे ऑपरेशन उन्हीं के माध्यम से, चाहे वो गाइड हो, महिला गाइड भी हम लोग, तो जो पार्कों के साथ उनके जीवन को जोड़ते हैं ताकि वो पार्क को और जंगली जानवरों को दुश्मन न समझें, उनको अपने जीवन उपयोगी चीज़ समझें, और वही नतीजा है कि आज हम लोग टॉप पर हैं।